हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ अनिका। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अब हम जाने वाले हैं वेस्टर्न स्टेडियम। तो आप पीछे देख सकते हैं, मैं स्टेडियम के बीचों बीच खड़ी हूँ और आज मैं आपको पूरा स्टेडियम दिखाने वाली हूँ। अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो भी हम देखेंगे। और ये लंदन टूर की 5th वीडियो है। अगर आपने पिछली 4 वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। ये है स्टेडियम के अंदर जाने के टिकट चार्जेस। और हम लोग लंदन पास के थ्रू जा रहे हैं तो लंदन पास के बारे में मैं फुल डिटेल एक वीडियो में दूंगी आपको। और ये रहा इसका एड्रेस। अगर आप ट्यूब ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो आपको लंदन ब्रिज से जुबली लाइन की ट्रेन लेनी होगी स्टार्टफोर्ड के लिए। और स्टार्टफोर्ड स्टेशन से ये 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर और अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ आने के लिए आपको टाइम स्लॉट लेना होगा, उसी टाइम पर यहाँ पे टूर गाइड आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। ये स्टेडियम काफी बड़ा है और इसे लंदन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टहैम स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ओलंपिक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेडियम 2012 में ओलंपिक हुए थे उसके लिए बनाया गया था और लेकिन अब ये फुटबॉल के लिए यूज़ होता है। ये स्टेडियम 2008 से 2011 के बीच में बना हुआ है और यहाँ पर 66,000 पीपल के बैठने की कैपेसिटी है। यहाँ पे देखिए, फ्रंट रो में डिसेबल लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे इस स्टेडियम के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ देखिए, सारे न्यूज चैनल के कैमरा यहाँ पर होते हैं, आप देख सकते हैं सामने। आप जो ये सामने वॉल देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप सर्कल देख रहे हैं उनके ऊपर उन प्लेयर के नाम हैं 2012 में जो भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी पदक जीते थे। अब हम आ गए हैं प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में। तो यहाँ पे देखिए, सभी प्लेयर्स की जर्सी रखी हुई हैं और यहाँ पे सभी अपने फेवरेट प्लेयर्स की जर्सी के साथ फ़ोटो निकलवा रहे हैं। तो दर्श भी बैठ चुका है फ़ोटो के लिए, तो दिखाती हूँ मैं आपको देश के फेवरेट प्लेयर कौन है, राइस। यहाँ पे देखिए, बोर्ड भी है शायद ये प्लानिंग करने के लिए कि किस प्लेयर को कहाँ खड़ा होना चाहिए। चलिए अब इससे बाहर चलते हैं। यहाँ देखिए, प्लेयर्स के शॉवर के लिए बनाया गया है ये, और उनके पैरों को रिलैक्स करने के लिए भी एक एरिया बनाया गया है इसी के साथ में। यहाँ देखेंगे तो आप, ये रनिंग ट्रैक है। Now the other team, they've gone all the way down here. They go all the way down the end of the corridor. They come back around, and then they go into their changing room. It's all happening. अब हम जा रहे हैं हमारी फेवरेट जगह पर। यहाँ से सारे प्लेयर्स की एंट्री होती है। If you're a West Ham player, you have to do that. You should come out. So I show you how you do that. No. Just that. That's no good, is it? अगर आपको इस तरह के किसी स्टेडियम में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है ये। और यकीन मानिए, हमें यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा है। इस तरह की जगह पर आएं और फ़ोटो ना खिंचवाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ के फ़ोटो। और अगर आप भी इस तरह के किसी स्टेडियम में गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए मैं अब कैमरे को घुमा कर पूरा व्यू दिखाती हूँ आपको।
चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट ऑर्बिट, तो वहीं पर हम मिलेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक लिए बाय बाय।